तो गाइज मैं आपको जो वीडियो दिखाने वाला हूँ वो वीडियो देखने के बाद आपका दिल हिल जाएगा। मैं ऐसी वीडियो दिखाने वाला हूँ जो सोशल मीडिया पे आपने कभी नहीं देखी होगी। ऐसी वीडियो जो एक गरीब घर का लड़का अपने परिवार को कैसे चलाता है। आइए देखते हैं, पूरी वीडियो देखें। और उठ भैया, इंटरव्यू दे जाए को। उठ उठ भैया, उठ उठ। कहाँ जाते? अब्बा जाए इंटरव्यू दे। 2 साल हो गए तेरी पढ़ाई कंप्लीट करे। बताओ आज से आज तक ते इंटरव्यू दे दे। घर का खर्चा कैसे चला तो का मालूम है? अकेले हम मजूरी करी तैयार, कम से कम पढ़ाई करे के बाद अगर ना नौकरी मिलती, ना कंपनी में जॉब मिलती, ना मिलती तो एक मतलब था कब तक इंटरव्यू देवे? इंटरव्यू से कुछ ना होने वाला है। जाए के दिन भर की दिहाड़ी करते, 300 मिलता, घर का खर्चा चलता है, तोरा कुछ ना होने वाला है। नाम क्या है तुम्हारा? सर मेरा नाम सलमान है। हाँ तो सलमान, डॉक्यूमेंट दिखाओ अपने। कैफ तुम भी देखो। सलमान, आपका डॉक्यूमेंट सब सही है, ठीक है? हमारी कंपनी में काम करने के लिए, जॉब करने के लिए तुमको 3 लाख रुपया देना पड़ेगा।
कहो तो साइन कर दूँ, तुम्हारी सैलरी महीने का 18,000 रुपया रहेगी, दिन पे दिन तुम्हारी सैलरी बढ़ती रहेगी। ऐसी बात नहीं है तो बताओ, साइन करो, 3,00,000 रुपया लगेगा। सर मैं बहुत गरीब फैमिली से हूँ, मेरे अब्बू ने कैसे कैसे यहाँ से वहाँ करके मेरे को पढ़ाया है, यहाँ तक पहुँचाया है। तो सर मैं यहाँ तक पहुँचने का मेरा मकसद यही था कि मैं कोई अच्छी सी जॉब पा जाऊँ, और जॉब मुझे तो मिली नहीं। मैं यहाँ वहाँ मतलब दर दर भटकता रहा, खोजता रहा जॉब। तो मुझसे बोले सब ये सब कि इतना लगेगा, 1,00,000 रुपये लगेगा, 2,00,000 रुपये लगेगा, 2,50,000 लगेगा। तो सर मैं कहाँ से लाऊँगा इतना, मिडिल क्लास फैमिली में कहाँ से लाऊँगा इतना। सर सब ने दिया है तो हम क्या कर सकते हैं, आपको कंपनी में काम करना है तो 3,00,000 रुपये देना ही पड़ेगा। आई एम रियली सॉरी सर, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं आपके यहाँ जॉब कर लूँ। ओके सलमान, कोई बात नहीं, ये लो अपना डॉक्यूमेंट, तुम जा सकते हो। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं मुँह उठा के, पैसा ही नहीं रहता है पास में तो जॉब करने के लिए। अरे सब उनकी माँ बाप का चुलार होता है, मेरा लड़का पढ़ेगा बड़ी कंपनी में जॉब करेगा, पैसा ही नहीं, क्यों लड़के को पढ़ा, तो इतना भेज दिया करो, कोई काम धंधा करे, जाओ यार दूसरे के लिए कराओ काम धंधा। वैसे रुको, लेके आ रहा हूँ। अरे मेरा बेटा पढ़ लिख के बड़ी कंपनी में काम करेगा, अरे मैं अपने बेटे को पढ़ाऊंगा, कुछ भी हो जाए मैं अपने बेटे को पढ़ाऊंगा और पढ़ा के बड़ी बड़ी कंपनी में काम कराऊंगा, मजूरी नहीं कराऊंगा अपने की तरह। हाँ तुम लोग काम पे क्यों नहीं आ रहे ला, काम पे आओ ना, मेरे को काम फाइनल मांगता है। हाँ मोहन को भी लेके आओ, अभी अपना सेठ मचमच मार रहा है, उसको काम फाइनल मांगता है 3 तारीख से पहले। ओके कल से काम पे आओ। सर मुझे भी काम मिलेगा क्या? काम करेगा तू? जी सर। क्या नाम है तेरा? सलमान। देख मेहनत वाला काम है, कर लेगा। कोई बात नहीं, मेहनत वाला रहे चाहे जो रहे कर लूंगा सर। कर लेगा, ये ला मेरा कार्ड ले, कल इसी एड्रेस पे आ जाने का, 9 बजे से पहले आने का, 9 बजे के बाद आएगा तो रिटर्न घर जाएगा। अब्बा मोरी नौकरी लग गई। आ बेटा वाह, आज तो दिल जीत लिए, आज मिट गांव में पूरे लड्डू बटी लड्डू, ऐसा नाम रोशन, मेहनत से काम कर और मेहनत से आगे बढ़े का है, तो का घर की जिम्मेदारी था मैं का है, आज पूरे गांव में लड्डू बटी। अरे यार सुने है, तोरी नौकरी लग गई है कंपनी में वो? हाँ भाई जॉब लग गई है। अरे यार कसम से हमाऊ लोग बेरोजगार हैं, अगर काम उम्र ही बताए भाई, हमाऊ लोग काम करे चाहिए। चल यार तोरे टेंशन बहुत रहा, घर का टेंशन रहा, मेहनत से काम करे यार भाई। सैलरी कितनी है भाई तोरी? मोरी सैलरी है भाई 18,000। चल ठीक है यार, कम से कम टेंशन बहुत, तपस्या 1 साल बाद नौकरी मिली। हाँ यार जाओ यार भाई, मेहनत से काम कर, मेहनत लड़का आगे जाए, बहुत बहुत दिन के बाद नौकरी मिली है।
एग्जाम फाइनल मांगता है। ये जो गिट्टी है ना इधर कर देने का, और ये दो पिलर है ना इसको भी आज ही इधर ही आ गया तू। ये नया छोकरा आया है काम के लिए, इसको भी काम पे रख लेने का।